साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे मलेशिया से रिलेटेड। आप भाइयों के बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए थे, सर मलेशिया के बारे में बताओ, मलेशिया से कुछ बातें हैं आप लोगों के कमेंट है, तो मैं वीडियो के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हैं राम साहे गुजर, इन्होंने लिखा है, सर जी मलेशिया में अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम लोगों को 10 महीने हो गए लेकिन हमारा काम नहीं हुआ है अभी तक, प्लीज सर जी हमको जानकारी दें, हम कैसे क्या करना चाहिए, प्लीज रिप्लाई सर, मैं इंतजार करूंगा आप। भाई देखिए राम साहे जी, मैं बता दूं मलेशिया कंट्री कोई टाइम में तो अच्छी थी लेकिन अभी इतना बेकार कंट्री हो चुकी है कि लोगों को पिछले एक साल से इंतजार है, ठीक है। चाहे वो मलेशिया में बैठे हैं वो इंडिया आने के लिए इंतजार कर रहे हैं, इंडिया में बैठे हैं वो मलेशिया जाने के इंतजार कर रहे हैं। अभी तो स्थिति है कि मलेशिया ने सब कंट्रियों पे बैन लगा दिया, नेपाल पे बैन लगा दिया, बांग्लादेश पे बैन लगा दिया, इंडिया पे लगा दिया, सिर्फ पाकिस्तानी लोग जा रहे हैं अभी। बांग्लादेश की मेरे को जहां तक नॉलेज है 24 लाख जिसको बोलते हैं कॉलिंग अटकी पड़ी है, स्टॉप पड़ी है। इंडिया के भी हालात हैं, नहीं तो वहाँ की गवर्नमेंट कोई सुध ले रही है, इतनी बेकार सिस्टम है, करप्शन गवर्नमेंट बोल सकते हो। हो सकता है वो अपने तरह में सही लग रहा होगा लेकिन अपना तो अपने को गलत लग रहा है ना, क्योंकि जो एक एक साल से वहाँ के वर्कर बैठे हैं इधर आने के लिए उधर जाने के लिए, कंपनियों में वर्कर नहीं मिल रहे हैं काम करने को, क्योंकि जो इलीगल वर्कर थे उनको लगभग निकल गए, कुछ को जेलों में डाल दिया, तो परेशानी है। तो मतलब सिस्टम गड़बड़ा रहा है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ इसका मुझे अच्छा नहीं लगता भाई। हो सकता है बोलते हैं लोग कि अगले महीने में ठीक हो जाएगा, 1 जून 2 जुलाई से ठीक हो जाएगा, अभी वो 1 जुलाई भी आगे, देखते हैं आजकल में क्या रिजल्ट आता है। बाकी मुझे इसमें दम लगता नहीं है मलेशिया कंट्री के अंदर, क्योंकि सिस्टम इतना बेकार हो चुका है कि गवर्नमेंट वीजा ही नहीं इशू कर रही है, कॉलिंग नहीं निकल पा रही है, पता नहीं क्या चाहती है गवर्नमेंट, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, इसलिए मैंने भी मलेशिया पे वीडियो बनाने छोड़ रखे हैं। अभी तक क्या जानकारी दें लोगों को, ये लगता है यार झूठ बोल रहा है। तो थोड़ा सा हो सकता है इस हफ्ते में कुछ हो जाए, बाकी मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा। पंचू गुप्ता बोलते हैं, सर हमें इंडिया में 35,000 रुपए मिल रहे हैं तो अदर कंट्री जाने में क्या फायदा। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात बोलिए कि इंडिया में आपको 35,000 मिल रहे हैं। भाई इंडिया में 2 लाख सैलरी भी है महीने की, मैं बता दूं इंडिया में 70-80 लाख रुपए भी कमाने वाले हैं, लेकिन है कितने, 10% भी नहीं है, रेशियो 10% भी नहीं आता, 10% लोगों को भी इतनी सैलरी नहीं मिलती भाई। कहाँ इंडिया में तनख्वाह कहाँ मिलती है, 5-7 हज़ार रुपये में लोग पेट गुजारा नहीं चल पाता, और विदेश में लोग वो जॉब के लिए जाते हैं जो अच्छा पैसा, यानी इंडिया से ज्यादा नहीं तो 2 गुना कमाने के चक्कर में जाते हैं, मुझे अंदाज है जहां तक। इंडिया में अच्छी सैलरी कहाँ मिलती है, टाइम पे रोजगार नहीं मिलता, महीने में 20 दिन मिलता है वो पूरी हो जाती है, पैसा जुड़ता नहीं है। विदेश जाने का मतलब है चाहे पैसा सैलरी से 20-30 हज़ार रुपये मिले लेकिन वो परमानेंट मिले, वो पैसा जुड़ जाता है, इस चक्कर में लोग विदेश जाते हैं। भाई 35,000 कहाँ मिलती है, हो सकता है 2-4 लोगों को मिल जाए, 100 में से 2-4 लोगों को ही नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं है, वरना इंडिया के लोग विदेश में क्यों जाते कमाने। भाभी हरी बोल रहे हैं, सर बैक साइड का ब्लैक बोर्ड दिखता नहीं है। भाई बैक साइड का ब्लैक बोर्ड आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा, माउथ टू माउथ बात करेंगे, इस पे लिखने वाला सिस्टम क्लोज कर देंगे अपन, तो आराम से अपनी बातें सुनो, आराम से आपको फायदा मिल जाएगा। डीके लोग बोलते हैं, सर मलेशिया भूल गए क्या। भाई देखिए डीके जी की मलेशिया भूले नहीं है लेकिन मलेशिया भुला रहा है, आज एक साल से बंदे वेट कर रहे हैं, इतने वीडियो डाले अभी ये अपडेट आई, अभी ये आई, वो आई, फलाना ढिमका, कुछ नहीं होता। फिर लोगों को लगता है यार बंदा झूठ बोल रहा है, अपने को गलत जानकारी दे रहा है, कुछ होता ही नहीं है, तो क्या इन्फॉर्मेशन अपने पास है ही नहीं, तो मलेशिया की क्या डालें। अब जॉब से रिलेटेड भी क्या डालें, जो लोग एक एक साल से बैठे हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 बार मेडिकल करवा चुके हैं, जिन्होंने पैसे दे रखे हैं मेडिकल करवा चुके हैं, बैठे हैं जॉब छोड़ छोड़ के, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मलेशिया में क्या रखा भाई, इसलिए वीडियो बनाना छोड़ दिया। बाकी उम्मीद है इसमें इस हफ्ते में कुछ नई अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा, अगर इस हफ्ते नहीं आई तो मलेशिया को भूल जाना, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, मलेशिया का नाम मत लेना भाई, फायदे में रहोगे। जतिन कोकर बोलते हैं, सर स्पेशल पास चाहे रिटर्न इंडिया में जाते हैं अदर कंट्री में जाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भाई स्पेशल पास हो, आउट पास हो, ब्लैकलिस्ट हो, डिपोर्ट हो, कुछ भी हो, आप उस कंट्री में आप नहीं जा सकते, बाकी कोई भी अदर कंट्री में आप जाओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। उस कंट्री में अगर आप ब्लैकलिस्ट हो जाते हो तो 5 साल तक बैन लगता है, फिर आप दोबारा जा। अविनाश कुमार बोलते हैं, सर सुना है कि आउट पास खुल गए हैं मलेशिया, प्लीज बताओ। भाई सुना ही है, बाकी हकीकत में हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ सुनते ही हैं, अगर हकीकत में कुछ हो जाता है तो बंदों का भी भला हो जाता, बेचारों का दुखी हो गया भाई, मलेशिया क्या करे, मलेशिया गवर्नमेंट ही ऐसी है, कुछ नहीं हुआ भाई। हो सकता है आजकल में कोई न्यूज आ जाए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, बाकी हर महीने यही होता है, अगले महीने मुझे तो नहीं लगता, बाकी यह सप्ताह मेरा लास्ट है, इसके बाद मलेशिया का नाम ही नहीं लूंगा मैं तो, सीधी बात ही है। वीडियो बनाने में भी क्या फायदा भाई, काम ही नहीं होता, लोग बेचारे आस करके वीडियो देखते हैं, कुछ समाधान होता नहीं है, तो क्या मतलब हुआ यार। अरविंदर जांगड़े बोलते हैं, सर यूट्रन
क्या होता है, क्या यू टर्न लगवाने से मलेशिया से इंडिया जा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। भाई यू टर्न का मतलब ही आना जाना होता है, इधर गए उधर गए, ये यू हो गया ना। तो बिल्कुल आपके पास अगर वीजा लगा है पासपोर्ट में लीगल तरीके से है तो आप आ जा सकते हो, कोई आपके पास दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। मंजीत कौर बोलते हैं, सर हेलो, मेरा वीजा था पासपोर्ट पर, कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई थी, अब मेरे पास पासपोर्ट पर डिपोर्ट का स्टॉम्प है, क्या कितने टाइम में जा सकता हूँ, प्लीज बताइए। देखिए मैं बता दूं कि आपके पासपोर्ट पर वीजा लगा हुआ था, कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई, तो डिपोर्ट का क्या मतलब हुआ, मुझे समझ में नहीं है ये बातें। वीजा तो लगा है ना, कंपनी तो बंद हो जाती है तो उसमें आपकी क्या गलती है, वीजा तो 2 साल का होता ही है। अगर वीजा आपका कैंसिल हो जाता है फिर आप ज्यादा टाइम तक वहां रहते हो तो आते समय आपको डिपोर्ट करते हैं, ब्लैकलिस्ट हो जाते हो, फिर 5 साल तक आप नहीं जा सकते, 5 साल के बाद आप दोबारा जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, दुबई हो, मलेशिया हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, 5 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसी जिसी कंट्री में जाना चाहते हो तो 5 साल है, दूसरी कंट्री में जाओ तो आप तुरंत जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों मलेशिया से रिलेटेड कुछ बातें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, जैसे नई अपडेट आती है इस हफ्ते में जो आएगी वो ही मैं वीडियो में डालूंगा, बाकी मलेशिया से रिलेटेड भाई मैं आगे कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि मलेशिया अलग ही कंट्री है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट अलग है, कंट्री अच्छी है, अगर परमिट हो तो कंट्री अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट फैसला नहीं ले पा रही है ना, गवर्नमेंट कुछ करे तो आगे पीछे का कोई समाधान हो, इधर उधर के जो भी वीजा वगैरह डिपोर्ट वगैरह इमिग्रेशन जो भी होता है। तो ये सप्ताह लास्ट है, मैं वीडियो डाल के आपको बता दूंगा, और भी आपको कोई कमेंट हो मलेशिया से रिलेटेड तो आप वीडियो में कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आंसर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज नई टॉपिक पे नई जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।